दोस्तों नमस्कार, आप जो चुके हैं आपके अपने चैनल जॉब टाइम चैनल वन पे। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो पर तीन प्रोफाइल बताऊंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्योंकि कुछ लोगों के जो कमेंट्स मैसेज थे कि सर मैं इस लोकेशन में रहता हूँ और मैं जो है अप्लाई कैसे करूं, और आपने प्रोफाइल यहाँ का बताया है, मुझे जॉब की जरूरत है। तो उसके मद्देनजर मैंने ध्यान रखा है और ये भी ध्यान रखा है कि कुछ लोगों ने फील्ड के लिए जॉब के लिए रिक्वायरमेंट की है, तो फील्ड का भी इसमें मैंने मेंशन किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं आज आपको तीन प्रोफाइल बताऊंगा, और ये आपका जो ये भी शॉर्ट आउट हो जाएगा कि हमको इस लोकेशन में प्रोफाइल आपने सर नहीं बताया है तो प्लीज बताइए। तो मैं आज ये बैंकिंग का प्रोफाइल बताऊंगा, यहाँ पे तीन प्रोफाइल है और तीनों जो है लोकेशन पैन मुंबई का है, तो सेंट्रल वेस्टर्न नवी मुंबई भी कवर कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बैंकिंग का प्रोफाइल है। तो दोस्तों आज का जो प्रोफाइल है वो बैंकिंग का है, बैंक के रिलेटेड प्रोफाइल मैं आपको बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहिए, पूरा प्रोफाइल देख लीजिए। अगर आपके हिसाब का लगता है तो डेफिनेटली इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपको नहीं लगता है कि चलो ठीक है मेरा प्रोफाइल कुछ और है, तो एटलीस्ट किसी और के लिए अगर आप जो देख रहे हो तो बताने में सक्षम रहोगे, आप इन्फॉर्मेशन उतनी मिल जाएगी आपको, एटलीस्ट उनको ये स्क्रीनशॉट वीडियो भेज करके मदद कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों की मदद हो जाए, तो डिपेंड यू। तो दोस्तों आज के जो बैंकिंग का प्रोफाइल है, कंपनी के बैंक के पेरोल पे जॉब है ये, और फील्ड करना है, कुछ उनका मशीन वगैरह है तो उसी से रिलेटेड सेल्स करना रहेगा। तो इसमें 50 लोगों की वैकेंसी है और वेस्टर्न में और नवी मुंबई में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन तो मेंशन नहीं किया है, आई थिंक क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता बहुत ज़्यादा, अगर 10वीं 12वीं रहेगा तो थोड़ा बहुत सेल्स किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे शायद शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। तो सैलरी बता दे रहा हूँ, 16,786 रुपये रहेंगे। और दूसरा प्रोफाइल भी सुन लीजिए, दूसरा प्रोफाइल आपका लोन अगेंस्ट कुछ रहेगा, ऐसे ही लोन से रिलेटेड प्रोफाइल है। यहाँ पे 20-25 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, और इसमें जो लोकेशन है, जो दूसरा लोकेशन बताया लोन अगेंस्ट वाला, पनवेल, अंधेरी, घाटकोपर, वाशी, एरोली, गंसोली, साउथ मुंबई, ठीक है ना। पनवेल, अंधेरी, घाटकोपर, वाशी, एरोली, गंसोली, साउथ मुंबई। तो इस लोकेशन के लिए अगर आपको करना है, करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, तो आप जो है, मैं आपको एक ही नंबर दूंगा, ये तीनों प्रोफाइल उन्हीं के पास है, तो आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। आप अगर यूपी रहते हो, बिहार रहते हो, अदर स्टेट में रहते हो, तो ये जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि रहने का दिक्कत होगा, ठीक है। तो कॉल करके कोई मतलब नहीं है, आप फोकट में परेशान होंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ रहने का बंदोबस्त नहीं है इनके पास, ये फील्ड का है, ठीक है। और फील्ड के अलावा इसमें कुछ अगर सिटिंग जॉब होगा तो डेफिनेटली बताएंगे वो आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लोकेशन बताया वही है, इसमें 25-26 बंदों की रिक्वायरमेंट है, इसमें 14,715 रुपये समथिंग रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो प्रोफाइल, ठीक है। तो तीसरा प्रोफाइल पे आइए चलते हैं, जानते हैं तीसरा प्रोफाइल क्या है। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, ठीक है। तो ये पैन मुंबई में रिक्वायरमेंट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के लिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 20, सैलरी 16,786 रुपये, ओके, यहाँ पे चाहिए। और इनका जो प्रोडक्ट है क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कार्ड सेल्स करना रहेगा, ब्रांच में भी रहना पड़ेगा, और ब्रांच से अगर क्लोज होता है, कुछ लीड मिलती है, तो फील्ड पे भी जाना पड़ सकता है। तो दो हो गया ब्रांच और फील्ड के लिए, ओके। और इसमें चाहिए आप कैंडिडेट जो मैंने बताया, नंबर ऑफ वैकेंसी 25-26 बंदे चाहिए, ओके। हाँ थोड़ा सा वो हो गया
पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपकी 10वीं 12वीं, नहीं यार इसमें ग्रेजुएट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, क्योंकि बैंकिंग का प्रोफाइल है, बैंक के पेरोल पे है, ओनली मेल और फीमेल कैंडिडेट रिक्वायर्ड जो कंज्यूमर ड्यूरेबल का है, ठीक है। और जो पहले का प्रोफाइल है उसमें HSC भी चल जाएगा, आपको बात करना पड़ेगा एक बार, ठीक है। और इसमें जो प्रोफाइल बताया मैंने उसमें ग्रेजुएट चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट बोथ रिक्वायर्ड इसमें, और कंज्यूमर में फ्रेशर भी कैंडिडेट चलेंगे, ठीक है। इसमें जो दिया है इन्होंने, इसमें फ्रेशर कैंडिडेट डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बातचीत अच्छा करना आना चाहिए, और थोड़ा सा सेल्स स्किल होनी चाहिए। फ्रेशर जो कैंडिडेट होते हैं उनको सेल्स स्किल होती है, बात करने की टेक्निक होती है, लोगों को कैसे डील किया जाए, कैसे बात किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, उन लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान वो सब, जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे वो ठीक से रिस्पॉन्स देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि मार्केट के बारे में जब आप जानेंगे, जब आप पढ़ेंगे, जब आप समझेंगे, जब आप सोचेंगे, तब थोड़ा सा रिप्लाई आप सामने वाले को ठीक कर पाते हो, ठीक है। तो ये है, तो मैं आपको एक नंबर देता हूँ, उस नंबर पे आप जो है, आप कुछ ज़्यादा हाय हेलो इस तरह से कुछ मत कीजिए कि मुझे जॉब चाहिए, ये हाँ मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, कुछ नहीं। अपना नाम, नंबर, लोकेशन इतना करके ड्रॉप कर दीजिए, और साथ साथ में ये सब टाइप करने के बाद अपना व्हाट्सएप नंबर, कभी कभी आप लोगों का लगता नहीं है, बताया गया है आप जो है व्हाट्सएप चलाते हैं, बट वो अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो जरूरत पड़ने पर अगर आपको कांटेक्ट कर रहा है तो वो नंबर आपका लगता नहीं है, ठीक है। तो फिर किसी और को कॉल कर लेते हैं और भेज देते हैं जॉब के लिए। तो जो आपका नंबर लगे उसी नंबर से आप जो है उनसे कम्युनिकेट करें। और मैंने आपको जो बताया आपकी कि नाम, नंबर, लोकेशन, करंट कॉन्टैक्ट नंबर जिसे वो कॉन्टैक्ट कर सके, और साथ में बायोडाटा अटैच करके उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। वो खुद CV चेक करेंगे, एलिजिबल होगा, लगेगा कि हाँ बंदे को मेरे लोकेशन से मैच करता है। अगर आप एक दो बार आप रिमाइंड कर सकते हो, लेकिन बार बार रिमाइंड करने से क्या होता है कि अगर क्या पता आपका CV मैच नहीं कर रहा होगा, तभी आपको कॉल नहीं किया जा रहा होगा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपना जो है नाम, नंबर, लोकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस इतना टाइप करके और बायोडाटा अटैच करके आप व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। एक ही दो बार की बात कर रहा हूँ कि आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, अगर पड़ गया तो, नहीं तो अगर CV आपका एलिजिबल रहा, मैच किया, तो डेफिनेटली आपको कॉल करेंगे और शेड्यूल करेंगे इंटरव्यू के लिए, ठीक है। आई होप आपको प्रोफाइल पसंद आया होगा, लोकेशन भी पसंद आया होगा। कोई चार्जेस नहीं है, बिना किसी चार्ज के इस जॉब के लिए डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बीच में कुछ टर्म कंडीशन नहीं कि आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो सब मिला के मैंने आपको पूरे मुंबई, नवी मुंबई, सेंट्रल वेस्टर्न का प्रोफाइल बता दिया, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है कि आपको अप्लाई करना है कैसे, आपको मिलना है कैसे, ठीक है। आप लोग मैनेज कीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जिसको गरज है, रिक्वायरमेंट है जॉब की, ओके। और अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना, मेरे इस चैनल पे बिल्कुल जॉब अपडेट फ्री मिलते हैं, और जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो सब बिल्कुल मुफ्त रहती है। मुझे उम्मीद है कि आप इस चैनल से फायदा उठा पाएंगे, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, अपना ख्याल रखना, न्यू अपडेट मैं फिर से लेके आता हूँ सर्च करके। बाय बाय। We'll be right back.